आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी गर्मियों की ठंडक ठंडक देने वाली रेसिपी। ये बर्फी खा के ना आप बिल्कुल ऐसे ठंडा ठंडा फील करने वाले हो। तो आज हम बनाएंगे सूजी की रूह अफ़ज़ा बर्फी। ये बर्फी आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। सूजी की रूह अफ़ज़ा बर्फी बहुत ही बढ़िया लगती है और इसको बनाने के लिए आपको मावे की, मिल्क पाउडर या फिर मलाई या कंडेंस मिल्क जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितनी दानेदार सी ये जो है बर्फी बन करके तैयार हुई है। इसके लिए हम चाशनी वगैरह भी नहीं बनाएंगे और परफेक्ट सेट होगी। कोई ऐसा बिगड़ने का ना चांस ही नहीं रहेगा कि बर्फी जो है बनाने जा रहे हैं और बिगड़ गई, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गर्मियों की स्पेशल रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर देखिए हमने एक प्लेट ले ली है और इसको हम ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑयल से ही इसे ग्रीस कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ, ठंडी का समय हो तो आप ज़रूर से ऑयल से ग्रीस करें और गर्मी के समय में तो आप घी से भी कर सकते हैं और ऑयल से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही जो कंसिस्टेंसी होती है वो लिक्विड ही हो जाती है गर्मियों के समय पर। तो यहाँ पर देखिए अब हम कढ़ाई में सूजी डालेंगे। ये आज मैं जो सूजी यूज़ कर रही हूँ ये हम 2 कप सूजी यूज़ करेंगे और बहुत ही बढ़िया सी साफ़ सुथरी सी सूजी नहाई धोई होनी चाहिए, एकदम गोरी चिट्टी। कहने का मतलब ये है कि साफ़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 कप सूजी लिया है जो कि ग्राम में 400 ग्राम है और इसे हम लगातार चलाते हुए पूरा नहीं भूनेंगे। हमें इसे हाफ़ भूनना है, या यूँ कहें तो हमें इसे जो है कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे थोड़ी देर बस रखा है और इसके बाद जो है हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। तो ये मैंने डाल दी और आप देख सकते हैं कि ज़रा सा भी मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसे एक तरह से गर्म किया है और गर्म होने के बाद ही हमने जो है इसे इस तरह से प्लेट में फैला दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस जब ये सूजी इस तरह से ठंडी हो जाए, आप इसे हाथ लगा पाएँ, तब हम इसमें जो है दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3/4 कप जितना मैंने दूध लिया है और जितना ज़रूरत होगा हम उतना ही दूध ऐड करेंगे। बता दूँ आपको कि यहाँ हमें इसका ना ऐसे डो नहीं लगाना है कि इसके पराठे बनाने हैं। तो याद रखिएगा कि आपको दूध बहुत ही थोड़ा डालना है। बेसिकली बस हम इसको इस तरह से कोटिंग करेंगे दूध की। इससे क्या होगा कि बगैर चाशनी बनाए भी आप बहुत ही बढ़िया दानेदार बर्फ़ी बना पाओगे और बढ़िया लगेगी खाने में। और इस तरह से ना ज़्यादा घी भी नहीं लगता है और ना मलाई लगती है। तो बस इस तरह से देखिए आप, आपका जो मिश्रण है ना वो ऐसे ड्राई होना चाहिए। तो मैंने 3/4 कप दूध लिया था लेकिन उसमें से पूरा का पूरा दूध यूज़ नहीं किया है। बाकी दूध की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कि आपकी सूजी कैसी है, मतलब मोटी है, खाई पी घर की है या फिर पतली महीन वाली है, ठीक है। तो इस तरह से बस बेसिकली ड्राई रहना चाहिए। मैं आपको दूध दिखा देती हूँ कि लगभग 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जितना दूध बच गया था और हम इसे ऐसे कवर करके छोड़ देंगे। तो बस ज़्यादा देर के लिए नहीं, 5 से 7 मिनट में ही आप देखेंगे जो सूजी है वो एकदम कड़ी हो जाएगी। तो अभी देख सकते हैं कि सूजी ना कड़ी हो गई है। वैसे मैंने आप लोगों से ना वोटिंग कराई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि वीडियो किस टाइम पे अपलोड करूं, दिन में करूं या शाम को करूं। तो सारे लोगों ने मतलब काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है अभी तक और आप लोगों का यही है कि इवनिंग में करो, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है आज की जो वीडियो है मैं इवनिंग में ही डाल देती हूँ। क्योंकि मुझे ये रहता है ना कि मुझसे ज़्यादा आप लोग किस में कम्फर्टेबल हो वीडियो देखने में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पर देखिए घी यूज़ किया है, तो 2 से 3 टेबल स्पून जितना घी डाल दीजिए। आप इससे थोड़ा कम भी डाल सकते हैं और सेम रेसिपी को आप तेल से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घी नहीं होगा तो बर्फ़ी सेट नहीं होगी। तो जो लोग घी नहीं खाना पसंद करते हैं, नहीं खाते हैं, तो वो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ करना, सरसों का तेल बस मत यूज़ करना। मतलब ऐसा ऑयल यूज़ कीजिएगा जिसका कोई अपना फ्लेवर नहीं होता है, तो रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इसकी बढ़िया से भुनाई कर लेना है। तो अभी जो आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, तो यहाँ पर आपको भूनने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा अगर आप बिल्कुल धीमी आंच पे भूनेंगे। और मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे तो 3 से 4 मिनट में ही आपको ये अच्छे से भूनती हुई नज़र आ जाएगी। तो मैंने जो है इसे मीडियम फ्लेम पर ही, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसे भूना था और मुझे 7 से 8 मिनट लग गए थे। तो यहाँ पर इसे हम चलाते रहेंगे, बीच में छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जलेगी नहीं जल्दी। और जैसे जैसे ये भुनने लगेगी ना ये दानेदार होने लगेगी, आप देख सकते हैं। और क्योंकि हमने दूध लगाया हुआ था इसमें, तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगा जबकि आपने काफ़ी देर तक भुना होगा। तो देख सकते हैं
ठंडा करने के बाद हम, या हल्का सा ठंडा कीजिए, आप ज़्यादा मत ठंडा कीजिए, और इस तरह से जो इसके बड़े दाने हैं उसको फोड़ लीजिए। और अगर आपको क्विक रिज़ल्ट चाहिए, एकदम इंस्टेंटली आपको बनाना है इसको, तो ये जो है मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ। उसके लिए आप इसे पूरी तरह ठंडा कर लीजिए और इस तरीके से ये मिक्सर के ग्राइंडर में डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से आपको ग्राइंड कर लेना है। तो दो तरीके हैं, बगैर मिक्सर के भी बन जाएगा, बस जब ये हल्का गर्म होगा ना तब आप इसको ब्रेक करना शुरू कीजिएगा। और मैं यहाँ पर एकदम इंस्टेंटली कर रही हूँ। और आज की ये जो रेसिपी है ना, मैंने बनाई हुई है, मतलब दोपहर के टाइम पे बनाई हुई है और शाम के टाइम पे मैं अपलोड कर रही हूँ। मतलब मुझे 5 से 6 घंटे हो गए हैं ये करते 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 करते। एक्चुअली शूटिंग करने में ना बहुत वक्त लगता है, चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, दिखाना पड़ता है। बाकी वही रेसिपी आप घर में 10-12 मिनट में बना लोगे, ख़त्म कर लोगे। और वही खाना अगर आपको शूट करना है ना, तो उसमें बहुत वक्त जाता है, कैमरा लगानी पड़ती है, लाइट देखना पड़ता है। तो आज आपको मैंने ये वाला अलग से ज्ञान दिया है। तो देखिए अब मैंने क्या किया है, चीनी ली है, 3/4 कप चीनी ली है, उतना ही पानी जो है कढ़ाई में डाला हुआ है। तो ये जो है चीनी घुल जाएगी, बस इतना ही करना है। देखिए चाशनी नहीं बना रहे हैं इसमें, मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि 1 तार लो 2 तार लो, सिर्फ चीनी को पानी में घोलना है, तो ये चाशनी बनाना नहीं कहलाएगा। और इसमें हमने 1 टेबल स्पून जितना जो है घी डाल दिया है। जो लोग घी नहीं डालते वो ऑयल डाल दीजिए, या फिर मलाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने पिछले साल बनाया था घर पे ही रुआवज़ा, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना है रुआवज़ा। पिछले साल मैंने 2 रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, एक आम का जैम और रुआवज़ा, दोनों की दोनों बहुत अच्छी हैं, पूरा साल भर हो चुका है, ख़राब नहीं हुई हैं और अभी भी टेस्ट और खुशबू बिल्कुल वैसे ही बरकरार है। तो जब मैंने पिछले साल रुआवज़े की रेसिपी ऐड मतलब डाली थी, तो एक रेसिपी के साथ में ही बताया था। अगर आप लोग कहोगे तो मैं सेपरेट बता दूंगी कि रुआवज़ा घर पे कैसे बनाएं और मैंने कैसे स्टोर किया है, जिससे ना कलर काला पड़ेगा और ना ही आप देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन होगा उसका। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो भुनी हुई सूजी थी ना, जिसको हमने पीसा था, उसे ऐड कर दिया है। और जब आप ऐड करेंगे तब ध्यान रखिएगा कि चीनी, मतलब जो हमारा रुआवज़ा वाला पानी है ना, उसमें एक उबाल आ चुकी है। और गैस के फ्लेम को आपको जब ऐड करते समय मीडियम टू हाई रखना है, लो पे बिल्कुल भी नहीं रखना है, ताकि इसका हलवा नहीं बने, बल्कि फटाफट से आँच इतनी तेज हो कि जो सूजी है ना वो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे सोख कर ले। और जैसे ही आप एक बार मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसकी कुकिंग कीजिएगा, जब तक कि ये अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, कंबाइंड नहीं हो जाता, या फिर मैं आपको अपने शब्दों में कहूँ कि इसमें डांस नहीं करने लगता। तो अब थोड़ा सा मिश्रण आप ठंडा कीजिए, इसके बाद इसका गोला बना के देखिए, ये इसका एकदम परफेक्ट गोला बनेगा, आप देखेंगे। ये देखिए जैसे चाशनी से बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रिज़ल्ट आता है। पर ये तरीका बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए यही है कि थोड़ा सा सूजी को 2-3 बार गर्म करना पड़ता है। और ये देखिए मैंने ग्रीस करने वाली ट्रे जो थी ना, ट्रे मतलब प्लेट थी, उसमें डाल दिया है। ऊपर से एकदम अच्छे से फ्लैट कर देंगे, और इसके बाद जो है गर्म में ही हम कट के निशान लगाएंगे, क्योंकि एक बारी जब ये ठंडी हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि थोड़ी सी बिखरने लगती है, बिल्कुल दानेदार बनती है। तो इसलिए गर्म पे ही लगा दीजिए, ताकि एकदम बढ़िया से कटिंग इसकी आए। बाकी मैंने जैसे आपको बताया ना कि आज की रेसिपी मैंने ऐसे बनाई है कि दोपहर में बनाई है और मैं शाम को अपलोड कर रही हूँ, तो इसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रखा मैंने। अगर आप इसे जो है 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दोगे ना, तो बिल्कुल एक जो कतली वाला टेक्सचर होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा यूनिक तरीके से आज की रेसिपी की कटिंग की है। तो ये रुआवज़ा की बर्फी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अपना ध्यान रखिए।